हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर अभी तक हाई गया था 3,966, अभी तक का जो लो है वो आपका है 3,636.10 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 1.08% का अभी तक। ओके, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है लगभग आपका 3,847.45-50 इसी रेंज पे चल रहा है। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹22,862.96 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹22,952.59 करोड़ एंड पीई रेशियो है आपका 142.5। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹130.56 करोड़ का। तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.19। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.17। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 37.40% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 54.56%। ये जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 41.33%, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 34.3%, FII का होल्डिंग है 16.39% एंड DII का होल्डिंग है 7.98%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% मिनिमम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे 40% से थोड़ा सा कम है, लेकिन एक अच्छा बात है। देखिए, ये जो आपका 34.3% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब कल का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। ओके, एंड आज का डे पे भी यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। RSI की बात करेंगे तो देखिए, RSI आपका जो 40 का लेवल है इसको तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपट्रेंड हो चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। और MACD भी देखिए आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए, इसी वीक में यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इसी कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। RSI भी देखिए आपका जो 40 का लेवल उसको तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपट्रेंड हो चुका है। और MACD भी एक आपका न्यूट्रल पॉइंट पे ही है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 3,850, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 6 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि 6 महीने के अंदर ये शेयर आपका 5,500 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।